अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन बाय कोको। आज हम बना रहे हैं जबरदस्त सी मटन मखनी। मटन मखनी को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो बआसानी मिल सके। आइए बढ़ते हैं आज की रेसिपी की तरफ। इसके लिए जो हमें चीजें चाहिए हैं वो हैं, अब यहाँ हम ले रहे हैं 1 किलो गोश्त, दही हम लेंगे आधा कप, मक्खन हम लेंगे आधा कप, टमाटर हम लेंगे 2 अदद चॉप किए हुए, धनिया और अदरक हम लेंगे गार्निशिंग के लिए और थोड़ी सी अदरक को हम पहले भी इस्तेमाल करेंगे, हरी मिर्ची हम लेंगे 3 अदद और इसमें 1 मिर्च को जो है मैंने छोटे उसमें चॉप कर लिया है और 2 को मैंने स्लाइसेस में काट लिया है क्योंकि काफ़ी स्पाइसी है इसलिए मैं कम यूज़ करूँगी जी। लहसुन हम लेंगे 2 टेबलस्पून, इसमें से 1 टेबलस्पून को हम ऐड करेंगे जब हम गोश्त बॉईल कर रहे होंगे तो। नमक हम लेंगे 1 टेबलस्पून, अदरक हम लेंगे 1 टेबलस्पून, ये चॉप की हुई अदरक है जिसे जूलियन कटिंग में काटते हैं और उसके बाद दोबारा से उसको चॉप कर लें छोटे टुकड़ों में, और ऑयल हम लेंगे 4 टेबलस्पून, सूखा मिर्च पाउडर हम लेंगे 1 टीस्पून। वैसे तो ये एज टू टेस्ट है, जिसको स्पाइसी पसंद है वो थोड़ा और ऐड कर सकता है, जिसको नहीं तो लेस कर सकता है। गरम मसाला पाउडर हम लेंगे 1 टेबलस्पून, ये बड़ी इलायची और छोटी इलायची, 1 हमने बड़ी इलायची ले ली है और 4 अदद छोटी इलायचियाँ ली हैं, इन सबको हमने ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए, अब हम एक खाली पॉट लेंगे और उसमें गोश्त की बोटियाँ डाल देंगे और इसके ऊपर गरम पानी डाल देंगे 1 किलो पानी। डालने के बाद हम इसको इसमें नमक ऐड कर देंगे और लहसुन ऐड कर देंगे। अब इन दोनों चीजों को पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम बॉयल होने का वेट करेंगे। जो ही पानी बॉयल हो जाएगा तो हम इसे लो फ्लेम पर गलने के लिए रख देंगे जी। अब ये देखिए, गोश्त हमारा बॉयल हो चुका है और इतना पानी हमने रहने देना है इसके अंदर, ठीक है। अब हम ऐड करते जाएंगे बाकी की चीज़ें। सबसे पहले हम ऐड करेंगे बटर, जो आपको बताया था, बटर ऐड हो गया। साथ ही हम ऐड कर देंगे ऑयल, के बाद हम ऐड कर देंगे अदरक जो आपको चॉप बताई थी, सूखा मिर्च पाउडर, इन चीजों को मिक्स कर लेंगे हम। और साथ ही हम ऐड कर देंगे जो चॉप की हुई हरी मिर्चें थी, जो स्लाइस वाली हैं, स्लाइसेस किए हुए जिनके, वो हम बाद में ऐड करेंगे, और ये हमने चॉप्ड वाली ऐड कर ली है। मेरी वाली बहुत स्पाइसी है इसलिए मैं कम ऐड कर रही हूँ, आप अगर चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं जी। पहले जो आपको मैंने लहसुन बताया था उसमें से हमने आधा ऐड किया था, आधा छोड़ दिया था, आधे को भी ऐड करेंगे। अब हाई फ्लेम कर देंगे, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, 2 मिनट के लिए पकने दीजिए और उसके बाद हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे जी। अब 2 मिनट हो चुके हैं और इस पॉइंट पे हम टमाटर जो चॉप किए हुए थे वो ऐड कर देंगे, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं जी। टमाटरों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब इसको भी 5 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे जी। ये 5 मिनट गुजर चुके हैं, अब हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल है जी। अभी हम थोड़ा सा इसको और पकने देंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट में और दूंगी और फिर आपसे मिलती हूँ जी। 3 मिनट हो चुके हैं और टमाटर सही से गल चुके हैं, इस पॉइंट पे हम ऐड कर देंगे जो मैंने आपको योगर्ट बताया था, उसको अच्छी तरह से बीट कर लें ताकि उसमें लम्स ना हो, वो दाने दाने से होते हैं जब आप डालते हैं तो फिर वो खाने में बहुत बुरे लगते हैं, तो इसलिए अच्छी तरह से बीट कर लें और उसके बाद योगर्ट को ऐड कर दें। इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब हमने इस पर ढक्कन नहीं लगाना,
आंच हमने फुल ही रहने देनी है, आप क्योंकि आपको पता है कि दही भी जब पकेगा तो पानी छोड़ेगा, अब उस पानी को हमने खुश कर लेना है जी। अब ये देख सकते हैं जो सालन का टेक्सचर है ये ठीक होता जा रहा है। ये इस पॉइंट पर हम ऐड कर देंगे जो मैंने आपको इलायची पाउडर बताया था, बड़ी इलायची और छोटी इलायची का, वो एक साथ ऐड कर देंगे इसमें। और इसको मिक्स कर देंगे। अब तकरीबन एक मिनट के लिए हम इसे कुक होने देंगे ताकि इसकी जो इसका अरोमा जो है वो पूरे सालन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये एक मिनट गुजर चुका है और अब हम ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा हम और भूनेंगे इसको। जी अभी आप देखिए कि हमारा सालन रेडी हो चुका है और ऑयल जो है ऊपर आ गया है। यहाँ मैं ये आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि मटन की जगह बीफ इस्तेमाल करें, लैम इस्तेमाल करें, तो ये इट्स अप टू यू, आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब हम ऐड कर देंगे हल्का सा धनिया जो हमने काट के रखा था और हरी मिर्चें ये जो स्लाइस की हुई थी। जी मैंने डिश आउट कर लिया है और अब हम गार्निशिंग के लिए ऊपर से थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे और थोड़ी सी जो मैंने जूलियन कटिंग में गार्लिक जिंजर को काटा था ये ऐड कर देंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, इसका टेस्ट भी बहुत मुनफरिद होता है बाकी जो जो हम बीफ की रेसिपीज़ बनाते हैं, जो करीज़ बनाते हैं उनसे बहुत मुख्तलिफ है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिए। अगली डिश में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।